देखते हुए जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान बाहर रखा हुआ था उन दुकानदारों के खिलाफ नंगल नगर काउंसिल के अधिकारी काफी सख्त नजर आए और मौके पर दुकानों के बाहर रखा सामान चेतावनी के साथ उठवा दिया कि अगर फिर से सामान बाहर रखा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए सिटी हलचल की है रिपोर्ट। त्योहारों का सीजन देखते हुए जिन दुकानदारों ने अपनी दुकानों का सामान अपनी दुकानों के बाहर रखा था उन दुकानदारों के खिलाफ नंगल नगर काउंसिल के अधिकारी काफी सख्त नजर आए और मौके पर ही दुकानों के बाहर रखा सामान चेतावनी के साथ उठवा दिया और कहा अगर फिर से सामान दुकानों के बाहर रखा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। नंगल नगर काउंसिल की टैक्स इंस्पेक्टर जसविंदर कौर के नेतृत्व में नंगल नगर काउंसिल के आधा दर्जन से भी अधिक कर्मचारियों ने सड़कों पर अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मुहिम शुरू करते हुए नंगल की अड्डा मार्केट में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के आगे रखा सामान उठवाया और चेतावनी देते हुए कहा अगर फिर से सामान दुकानों के बाहर रखा गया तो उठवाकर नंगल नगर काउंसिल के दफ्तर ले जाएंगे। उधर अड्डा मार्केट के दुकानदारों का मानना है कि एक तो कोरोना महामारी के चलते पहले उनका व्यापार ठप रहा और अब त्योहारों के सीजन में नंगल नगर काउंसिल के अधिकारी उन्हें परेशान करने आ धमके हैं। इन दुकानदारों ने नंगल नगर काउंसिल के अधिकारियों से दिवाली तक दुकानों के बाहर सामान लगाने की छूट देने की मांग की। सुने दुकानदार मनमोहन सिंह मोनी ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा। मैडम ने अज शहर का दौरा किया है उहदे विच समान अंदर रखने वास्ते जां उहनां नूं कहा वी तुसीं टेबल अंदर करो। असीं मैडम नूं अपील करदे हां नगर कौंसल नूं कि तुसीं इह जिहड़ा दिवाली का त्यौहार है जां वर्त है इहनां नूं कुछ दिनों वास्ते जां त्यौहार टपाण दिओ क्योंकि महामारी दे दौरान पहलां ही इहनां विच मरे हुए ने समझ लो जां दुकानदार परेशान ने तंग परेशान है रोटी तो भी तंग सी हुण माड़ा मोटा काम चलन लगा है तो तुसीं मेहरबानी करके इहनां नूं त्यौहार लाण दिओ। दुकानदार गुरदीप सिंह बाबा को भी सुने उन्होंने क्या कहा। नगर कौंसल के इंस्पैक्टर साहब आए थे मैडम जी उन्होंने आगे दुकानदारों को अपील की है कि जेडे तुम समान लाया बाहर इनू अंदर कर लो। जेडे दुकानदार है वह पहले ही करोना प्रभावित हुए हैं दुकानदार बिल्कुल फेल हो चुके हुए हैं जिन्होंने कि रोटी तो भी आवाजार है दुकान। असी पंजाब सरकार ते राणा के पी सिंह जी बेनती करते हैं कि जेड़ा दुकानदारों थोड़ा जहा टाइम दिता जाए दिवाली तक कि जेडे दुकानदार अपना व्यापार करके अपना रोटी का साधन ठीक करन। इस करके असी मैडम जी भी नगर कौंसल भी अपील करते हैं ईओ साहब भी अपील करते हैं कि ये जेड़ा थोड़े दिनों वास्ते दुकानदारों सहयोग किया जाए कि जेड़ा दुकानदार बाहर समान ला सकन। एक कन्या दुकानदार ने नंगल नगर कौंसल के अधिकारियों से क्या मांग की जे भी सुने। अज अड्डा मार्केट भी मैडम आए थे उन्होंने एको गल कही है भी तुसी अपनी दुकान की हद च समान लगाओ तो जिथे तक मैनू लगता साढ़े अड्डा मार्केट के दुकानदारों लगता फिर भी असी किसी हद तक ठीक है क्योंकि पिछले तीन चार महीने तो वैसे ही करोना ने काफ़ी बिजनेस ठप कर रखे हुए थे तो हुण महीने दो महीने तो असी फैसटिवल का सीजन है तो असी यही मांग करते प्रशासन तो भी सानू महीने दो महीने लिए थोड़ी छूट दे दी जाए ताकि असी जिहड़ा अपना लोन वगैरह जिन्होंने भी व्यापारियों ने लोन वगैरह लिया होंदा कवर अप कर सकन। जब इस बारे में जानकारी लेने हेतु टैक्स इंस्पेक्टर जसविंदर कौर से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि दुकानदार अपनी दुकानों से काफी आगे तक सामान बाहर रख रहे हैं जिससे राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हर समय हादसों का खतरा भी बना रहता है। इसलिए ये मुहिम SDM नंगल कन्नू गर्ग की दिशा निर्देशों के तहत शुरू की गई है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी दुकानदार को दुकानों के आगे सामान रखने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए टैक्स इंस्पेक्टर जसविंदर कौर ने क्या कहा। एक्चुअली दिवाली का त्यौहार आ गया तो सड़कों पर काफ़ी रश हो रहा है जिसके लोगों ने की किया है बाहर कट कट के दुकाना काफ़ी हद तक लगा लिया जिद कि क्रॉसिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है तो जिस तरह एक्सीडेंट होने का भी काफ़ी खतरा है इसलिए जो वादू का समान है वह चक के असं अंदर करवा रहे हैं तो फिर उस तो समान असं लै जावे उठा के हर साल लगते नहीं हर साल लगते हैं बट 15-20 दिन पहले ही लगाना रस्ता रोकना तो गलत है ना। जो दिवाली आएगी उस टाइम देखा ठीक है ना हूँ तो गलत है। सिटी हलचल के लिए नंगल से करण चोपड़ा की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी TVS शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से TVS की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4400 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर।
पाँच साल की इंश्योरेंस, पाँच साल की वारंटी और दो साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे TBS गाड़ी खरीदने के लिए TBS शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब। सही दाम सही नाम विजय ज्वेलर्स नंगल डैम।